हेलो स्टूडेंट्स एवर यू आई होप सब बहुत अच्छे होंगे सो टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट अवर टॉपिक इज अवर चैप्टर नेम इज डेथ ऑफ द ट्रीज सो लेट्स रीड अबाउट द लेसन इन दिस स्टोरी द ऑथर डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट व्हेन हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज डाउन नियर हिज हाउस बाय पी डब्ल्यू डी राइटर एक्सप्रेसिज हिज डीप अटैचमेंट विद द ट्रीज बिकॉज ही सो मैनी ट्रीज ऑफ दैम ग्रोइंग विद हिम तो यहाँ पे स्टोरी के अंदर ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं एक इंसिडेंट को कि हंड्रेड ऑफ ट्रीज को उनके घर के आसपास से काट दिया गया है बाय पीडब्ल्यूडी और राइटर एक्सप्रेस करते हैं कैसे उनका डीप अटैचमेंट है ट्रीज के लिए बिकॉज ही सो मैनी ट्रीज ऑफ दैम ग्रोइंग विद हेम क्योंकि बहुत सारे ट्री ऐसे हैं जिन्होंने जिनको उन्होंने खुद अपने साथ साथ बढ़ते देखा है सो लेट्स रीड द चैप्टर द पीस एंड क्वाइट ऑफ द मेपल वुड हिल साइड डिसअपियर फॉर एवर वन विंटर

माउंटेन्स के बीच में से न्यू रोड बनने वाले हैं राइट पास द कॉटेज और जो कॉटेज के पास से ही पास हो रहे हैं अबाउट सिक्स फीट फ्रॉम द लार्ज विंडो और उनकी जो सिक्स फीट है ना लार्ज विंडो से ही सिक्स फीट की दूरी पर वो बनने वाले हैं। हु ओवर लुक द फॉरेस्ट फ्रॉम टेन ईयर्स जहां पर वो पिछले दस सालों से फोरेस्ट को देख रहे थे इन माई जनरल आई रोट तो यहां पर बताते हैं कि क्या लिखा उन्होंने ऑलरेडी दे हैव फेल्ड मोस्ट ऑफ द ट्रीज तो बहुत सारी ट्रीज है उन्होंने पहले उनको फेल्ड देखा ही है द वॉलट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू गो तो पहले किसको देखा उन्होंने वॉलनेट का जो ट्री है उसको अपने आंखों के आगे जाते हुए देखा इट वॉज अ ट्री आई हैड लिव्ड विद फोर ओवर टेन ईयर्स वॉचिंग इट ग्रो जस्ट एज आई हैड वॉचड माई नेबर्स प्रेम्स लिटिल सन राकेश ग्रो अप आई न्यू दिस ट्री बेटर देन द आंसर यहां पर क्या बात की है कि वो बता रहे हैं कि जो वॉलनट का ट्री है वो उन्होंने ऐसे बढ़ते हुए देखा है दस साल में जिस तरह से जो उनका नेबर है जिसका नाम है प्रेम है ना उनका बच्चा राकेश जो है उसको ग्रो अप होते हुए उन्होंने देखा है वैसे उस ट्री को भी उन्होंने ग्रो अप होते हुए देखा है आई न्यू दिस ट्री बेटर देन अदर्स और मैं जितने भी ट्रीज हैं सबसे ज्यादा मैं उसको अच्छे से जानता हूँ Another tree I'll miss is the young Devdar, the only one growing in this stretch of the wood. Some years back it was stunted from lack of sunlight. The oaks covered it with their branches, so I cut away some of the overhanging branches and after that the Devdar grew much faster. It was just coming into his own this year. Now it has been cut down in this prime like my young brother on the road to Delhi last month. ऑफ़ द ट्री किल्ड बाय द पी बाय ब्रदर एट माय बाय द ट्रक तो यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से एनदर जो ट्री है उसको मैं मिस करता हूं तो मिस करूंगा कैसे मिस करूंगा वो कौन है यंग देवदार है ना जो ट्री का नाम है बच्चे वो देवदार आपने ट्री का नाम सुना होगा वो है लेकिन वो कभी काफी यंग है अभी यंग देवदार ओनली ग्रोइंग इन दिस स्ट्रेच स्ट्रेच ऑफ द वुड्स वो वहां पर देख रहा है कि किस तरह से वो स्ट्रेच होकर धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन सम ईयर्स बैक कुछ साल पहले ही वो कैसा था इट वॉज स्टंटेड फ्रॉम लैक ऑफ द सनलाइट है ना मतलब उसमें से लाइट पास भी नहीं होती थी और जो ओक्स था उसने उसको कवर्ड इट विद देयर ब्रांचेज ओक ट्री ने उसको कवर कर लिया था अपनी ब्रांचेज से सो आई कट अवे समर हैंगिंग ब्रांचेज और फिर क्या क्या था जो उसकी ओवर हैंगिंग ब्रांचेज थी तो मैंने उसको काट दिया था एंड देर देवदार ग्रू मच फास्टर जिससे जो देवदार ट्री था वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया था इट वॉज कमिंग इन टू हिज ओन दिस ईयर और ऐसा लग रहा था अब वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है इट हैज बीन कट डाउन इन इट्स प्राइम लाइक माई यंग ब्रदर ऑन द रोड डेली लास्ट मंथ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो डे, डेली के लिए रोड बनाया गया पीडब्ल्यू डी के थ्रू अब उसको यंग ब्रदर की तरह ऐसा लग रहा है लाइक माई यंग ब्रदर वो क्या समझता है देवदार ट्री कैसा है उसके छोटे भाई की तरह है लेकिन बोथ विक्टिम्स ऑफ द रोड जितने भी जो रोड को बनाने वाले हैं ट्री किल्ड बाय द पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी पी के द्वारा उन ट्रीज को मार दिया गया है ना तो माय ब्रदर बाय ट्रक और किसके थ्रू एक ट्रक के थ्रू ट्वेंटी ओक्स द कॉटेज बाय दिस टाइम बाय पास रिच इजर खेट फ्रॉम देहरादून ओवर द थाउजेंड्स ओक्स विल हैव बीन स्टंटर्ड एंडाइड मैनी अदर फाइन ट्रीज मेपर्स देवदार्स एंड पाइंस मोस्ट ऑफ दम अनेसेसरली एज दे ग्रो सम फिफ्टी टू सिक्सटी यार्ड्स फ्रॉम द रोड साइड तो यहाँ पर जो बता रहे हैं ट्वेंटी ऑक्स ट्री को है ना स्मॉल स्ट्रेच नियर द कोटे जितने भी उसके आस पास थे वो ट्री हैं जिसमें बीस से ज्यादा ट्रीज वहाँ पर थे बाय दैट टाइम दिस जो अब बता रहे हैं कि जो बाईपास बन रहा है जो बाईपास उनके पास पहुंच चुका है जो कहां पर है जबर खेत के अंदर देहरादून से जो बना हुआ है बाईपास जिसके अंदर थाउजेंड ऑक ट्रीज को भी कट कर दिया गया है और बहुत सारे ट्रीज है जिसमें मेपल ट्रीज है देवदार ट्रीज है पाइन ट्रीज है उनको भी कट कर दिया जाएगा मोस्ट ऑफ देम अननेसेसरली लेकिन बहुत सारे तो इस तरह से हैं कि अननेसेसरली ही उनको काट दिया जाएगा क्योंकि ग्रो सम 50 टू तो 60 यार्ड्स रोड साइड के पास में जगह चाहिए होती है ना रोड साइड से 50 से 60 यार्ड्स वहां पर जो जगह आप देखते हो कभी पाथ बने होते हैं उसके लिए भी उनको काटा जाएगा the trouble is hardly anyone with the exception of the contractor who buys the fell trees really believes that trees and shrubs are necessary they get in the way so much don't they according to my milkman the only useful tree is one which can be picked clean of its leaves for fodder and a young man remarked to me you should come to pori the view is terrific there are no trees in the way तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रबल है है ना मतलब वो किस तरह से परेशानी है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि इतने सारे ट्रीज़ को काटा जा रहा है वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि जो ट्रीज़ हैं शब्स हैं क्या इनको काटना बहुत ज़रूरी है तो इस तरह से वो सोचते हैं ना तो अकॉर्डिंग टू द मिल्क मैन तो मिल्क मैन से वो बातें कर रहे होंगे तो मिल्क मैन क्या बताते हैं कि कभी आप हमारे पूरी में आना है ना पूरी एक जगह का नाम है तो यू शुड कम टू पूरी तुम्हें वहां पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना टेरिफिक व्यू है वहां पर कि वहां पर रस्ते में आपको कोई ट्रीज नजर ही नहीं आएंगे वेल ही कैन स्टे हेयर नाउ एंड एंजॉय द व्यू ऑफ रिवेंज हिल साइड बट एज द ओक हैव गॉन द मिल्क मैन विल हैव टू लुक फर्दर फॉर हिज फर्दर तो वो देखते हैं कि इस तरह से कि जो ये व्यू है आप इसको इंजॉय करें क्योंकि ये हिल साइड पर है है ना और यहाँ पर क्या है बट एज द जब हम बात करते हैं कि जो ऑक ट्री है वो चला गया है लेकिन मिल्क मैन बता रहा है कि वो फिर भी अच्छा है कि काफी ट्री यहाँ पर बचे हुए हैं राकेश कोज द मेप्ल द बटरफ्लाई ट्रीज बिकॉज वेन द विंगल सीड्स फॉल दे फ्लटर लाइक बटरफ्लाईज इन द ब्रीज नो मैपल्स नाउ नो ब्राइट रेड लीव्स टू फ्लेम अगेंस्ट द स्काई नो बर्ड्स दैट इज टू से

बता रहे हैं कि जो उनके विंग सीड हैं वो गिर जाते हैं और जो फ्लटर लाइक बटरफ्लाईज और फिर वो क्या बन जाते हैं ऐसे लगते हैं कि जैसे वो बटरफ्लाई बन गए हैं ब्रीज के अंदर है ना बर्फ के अंदर क्या बन गए हैं कि वो बटरफ्लाईज जैसे नजर आते हैं नो मैपल नाव और अब कोई मैपल्स नहीं होंगे नो ब्राइट रेड लीव्स कोई ब्राइट रेड लीव्स भी नहीं होगी टू फ्लेम अगेंस्ट द स्काई है ना तो इस तरह से वो बता रहे हैं विश कर रहे हैं कि कोई बर्ड नहीं होंगे वहां पे और देर इज नो से नो बर्ड्स नियर द हाउस हमारे घर के आसपास कोई बर्ड्स भी हमें नजर नहीं आएंगे क्योंकि बर्ड ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं बच्चों ट्रीज के है ना ट्रीज के अंदर रहते हैं लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे पेड़ कट जाएंगे तो कोई बर्ड्स भी वहां पर नहीं होंगे नो लॉन्गर विट इल बी पॉसिबल फॉर मी टू ओपन द विंडो तो ऐसा लगेगा कि मुझे विंडो खोलने की भी जरूरत क्यों है और मैं किस चीज को देखूंगा है ना डार्क ग्रीन फॉलेज ऑफ द ओक तो वहां पर तो क्या हो गया होगा ओक ट्री होगी नहीं तो क्या देखूंगा कि वहां पर जो उसके सूखे पत्ते पड़े होंगे तो उनको देखूंगा मैं सिर्फ लॉन्ग टेल्ड मैग ग्लाइडिंग थ्रू द ट्रीज द बारबेट कॉलिंग फ्रॉम द पर्च ऑन द टॉप ऑफ देवदार तो वहां पर देवदार को मैं जो है टॉप पर मुझे नजर आएगा तो उसको देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा सभी गायब हो जाएंगे वहां से फॉरेस्ट जो बर्ड्स हैं ऑल ऑफ देम विल नाउ बी सर्च ऑफ द सम अदर स्ट्रेच ऑफ अब वो क्या करेंगे जो देवदार वृक्ष पर रहते थे है ना जो मैपल ट्री पर रहते थे जितने भी पक्षी हैं अब वो अपना दूसरा घर ढूंढेंगे सर्वाइव करने के लिए है ना क्योंकि वहाँ पे सारे बर्ड जो रहते थे उनको अपना घर नहीं मिलेगा द ओनली विजिटर्स विल बी क्लैमरस क्रोज एंड हैव लर्न टू लिव विद एंड ऑफ वूमेंस एंड सी मल्टीप्लाई अलोंग विद रोड्स और वहाँ पर वो देखेंगे कि कितने हाउसेस हैं पीपल्स हैं वूमेन्स हैं मल्टीपल रोड्स बन चुके हैं तो जहाँ पर उनकी लाइफ सर्वाइव होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी एंड इवन वेन ऑल द पीपल हैव गॉन द ग्रोज विद देयर हार्श कॉल्स विल स्टिल बी अराउंड तो वहाँ पर सिर्फ किसकी आवाज़ सुनाई देगी जब बहुत सारे लोग वहाँ से जा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस की आवाज सुनाई देगी जो बहुत हार्श होती है ना वही वो, वो सुन पाएंगे और वही सारी जगह हमें स्टिल बी अराउंड अदर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू ट्रक थंडरिंग पास इन द नाइट पर हैप्स अ टी एंड पकोड़ा शॉप राउंड द कॉर्नर अ ग्राइंडिंग ऑफ गियर्स द म्यूजिक ऑफ मोटर हॉन्स विल द विस्परिंग थ्रश बी हर्ड अबाउट दैम

जो टी है पकोरा शॉप होंगी आसपास वो होने वाली हैं और वहाँ पर कैसा म्यूजिक कैसा होगा म्यूजिक ऑफ मोटर हॉर्न्स सिर्फ वहाँ पर जो हॉर्न्स का म्यूजिक होता है जब गाड़ियाँ चलती हैं तो हॉर्न बजाते हैं ना वैसा ही वहाँ पर म्यूजिक होने वाला है क्योंकि पहले किसका म्यूजिक था बच्चे बर्ड्स का है ना लेकिन अब म्यूजिक चेंज होने वाला है सिर्फ मोटर हॉर्न्स का ही म्यूजिक वहाँ पर रह जाएगा और जो विस्लिंग है वो किसकी होगी विस्लिंग थ्रश बी हर्ड अबाउट दैम तो वहाँ पर जो थोड़ी बहुत विस्लिंग भी होगी वो वहां पर छुप जाने वाली है और वो भी हम कैसी सुनेंगे बहुत हार्श आवाजों में ही सुनेंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली शटर द साइलेंस ऑफ द माउंटेंस और क्योंकि माउंटेन्स के अंदर जो शांति थी अब वो कैसे होने वाली है बहुत ज़्यादा कंटीन्यूसली शटर होने वाली है और एग्जॉस्टेड भी होने वाली है थाउजेंड ई ईयर्स ओल्ड रॉक्स आर डायनिमिटेड और जो ये हमारी जो रॉक्स हैं जिनको बहुत टाइम हो गया थाउजेंड ईयर्स पुरानी रॉक्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी डायनिमिटेड हो जाएंगी हैव फ्राइटनड अवे और तो मुझे ये सोचकर भी बहुत डर लगता है कि मोस्ट इंटरपेयड ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए है ना कि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए सरवाइव करना भी कितना मुश्किल हो जाएगा वेरी नॉइजी जो पोल्यूशन जो जितना भी एनवायरमेंट होगा वहाँ पर बहुत नॉइजी बनने वाला है है ना और वहाँ पर ग्रेटली डैमेज्ड भी होने वाली है वो चीजें समहाउ आई डोंट थिंक वी शैल वेट टू लॉन्ग फॉर द टी शॉप टू अराइव There must be some other quiet corner possibly on the next mountain where new roads have yet to come into being no doubt this is a negative attitude and if i had any sense i'd open my own tea shop to intrate is to be a loser but the trees are loser too and when they fall they do so with a certain dignity never mind people come and go the mountains remain पर 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 बोलता है फिर कैसे भी I don't think, मैं ऐसा नहीं सोचता कि we shall wait too long कि हमें ज़्यादा टाइम तक वेट करना चाहिए किसके लिए टी कि यहां पर टी आएगी और वहां पर बन जाएगी होगा क्या पता वो नेक्स्ट माउंटेन पर भी बन सकता है जहां पर जो न्यू रोड्स हैं वो बनने वाले हैं नो डाउट देर इज नेगेटिव एटीट्यूड पक्का है कि वहां पर नेगेटिव एटीट्यूड ही आने वाला है इसके अंदर कोई डाउट नहीं है इफ़ आई हैड एनी सेंस अगर हम जैसा भी सोचते हैं तो जब हम अपनी देखते हैं कि टी शॉप खोलने वाली है तो वहां पर टू रिट्रीट टू बी लूजर तो वहां पर हम कुछ खोने भी वाले हैं है ना बहुत सारे ट्रीज़ को खोने वाले हैं जो हमारे ट्रीज बहुत सारे मिस हो जाएंगे और हमें वैसी जो एनवायरमेंट था पहले वाला जो ग्रीन एनवायरमेंट था वो भी हम वहां से खो देंगे तो प्लीज़ कमेंट और जो बहुत सारे लोग होंगे वो वहाँ से आएंगे जाएंगे शायद लेकिन जो माउंटेन है वो वहीं पर बने रहेंगे तो रस्किन बॉन्ड के थ्रू ये चैप्टर लिखा गया है बच्चे छोटा सा चैप्टर जो किसको बता रहा है कि इस तरह से जो ओथर की जो एक नेचर के प्रति भावना कैसी है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे लिए ट्रीज़ कितने यूजफुल हैं और आज धीरे धीरे जो नए रोड के लिए हमारे जो रास्ते बनने के लिए बहुत सारी चेंज हो रही हैं और जिस चेंज की वजह से एनवायरमेंट प्रॉपर चेंज होता जा रहा है और हमारी ग्रीनरी खत्म होती जा रही है तो ये एक चैप्टर था पढ़ेंगे बेटा थोड़ा रीड करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच बच्चों